अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े, चिकन ब्रेड पकौड़ा। यहाँ पे मैंने 3 प्याज, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 प्याली बेसन अच्छे से मिक्स करना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, प्याज में ही पानी बहुत छूटता है। यहाँ पे हम बनाएंगे स्टफिंग कीमे की चिकन पकौड़े के लिए। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अच्छे से भूनना है, ऐसे हल्की गैस करके ही भूनना है। दो कटी हुई हरी मिर्च, 1 पे हमें चिकन का कीमा ऐड करना है, इसे भी अच्छे से भूनना है, इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाए, वाइट हो जाए और ये अपना कलर भी छोड़ दे। जब तक इसे भूनते रहना, इसकी स्मेल भी चली जाएगी। दो से 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए इसे। यहाँ पे हम डालेंगे नमक 1.5 चम्मच, फिर इसे भूनना है अच्छे से नमक डाल के। चलाते रहना है गैस को, हल्की मीडियम लो इस पर कर दें। एक चम्मच पिसी हुई मिर्च, 2 से 3 कुटी हुई मिर्च, चिकन मसाला 1 चम्मच, चाट मसाला, इसे अच्छे से मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट भूनना है, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और हमारे कीमा खूब जूसी ना हो जाए। जब तक कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पे हमने ऐड करी है सब्जी। आपके पास जो भी सब्जी हो वो आप ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी लगातार चलाते रहना है। यहाँ पे लिया मैंने पास्ता सॉस, आप कोई भी सॉस ले सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। डालिए हमने यहाँ पे मेयोनीज, आपके पास हो तो आप डालें वरना स्क्रिप भी कर सकते हैं। इसे भी मिक्स करना है, चलाते रहना है। दो से 3 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे लिया मैंने थोड़ा सा बेसन, इसका घोल बनाना है। आप चाहें तो अंडा भी ले सकते हैं, डालना है थोड़ा सा नमक। मिक्सर बनाना है इसका, लिया यहाँ पे मैंने सफ़ेद ब्रेड, आप ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। गिलास की मदद से इसको काटना है इस तरीके से। इसमें रखनी है अपनी स्टफिंग, अच्छे से दाबने हैं। दूसरी ब्रेड रख देनी है, ऐसे हल्के हाथ से प्रेस करना है इस
तरीके से, जितनी भी प्लेट हो आप बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं चिपक रहे हैं तो आप अपना बेसन का घोल भी लगा सकते हैं उस पे, इस तरीके से। हल्के हाथ से प्रेस करना है। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चीज़ डालने के बाद में। इस तरीके से इसे भी प्रेस करना है। घोल में से अच्छे से मिलाना है, मिक्स करना है। ये ब्रेड क्रम्स है जो हमने ब्रेड काटे थे, ये उसी का बना हुआ है। इस तरीके से सारे अपने बना के रख सकते हैं, आप फ्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने ऑयल, ये सरसों का है, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने निकाल लिए पकौड़ी है। ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका था, इतना प्यारा सा कलर कलर आया है पकौड़ियों का। रमज़ानों में तो हर किसी के घर बनती हैं पकौड़ियाँ, आप इस तरीके से बनाएं, बहुत अच्छी, बहुत कुरकुरी होती है। यहाँ पे हम निकालेंगे ब्रेड पकौड़ा। यहाँ पे दो डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं वरना ख़राब हो सकते हैं। इतना प्यारा सा कलर आया है इनका, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। इसे चटनी के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके से सारे निकाल लेने। इफ्तार का वक्त हो चुका था, आपको आठवां रमज़ान मुबारक हो।